प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्हें विदेशी दौरों पर जाने का और अपनी मेहमान नवाजी कराने का बहुत शौक है। लेकिन जब मेजबानी की बात आती है तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं। ये पहले भी देखा जा चुका है, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी लेकर गए थे। उसके बाद शिंजो आबे जब दोबारा भारत आए तब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने गृहनगर और गृह राज्य गुजरात लेकर गए। उसके बाद जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत अपने गृह राज्य गुजरात में किया था। आपको वो तस्वीर याद होगी जब प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के साथ साबरमती नदी के किनारे झूला झूल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी से जुड़ी एक और तस्वीर आपके दिमाग में मैं ताज़ा करा दूं। जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें वाराणसी लेकर गए। उसके बाद जो गंगा आरती की तस्वीरें सामने आई थी वो अपने आप में एक विहंगम दृश्य था। ऐसा आज भी देखने को मिला जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी लेकर गए और इन दोनों नेताओं ने आज का पूरा दिन एक साथ बिताया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल गए, जहां पर दोनों नेताओं ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के नमूने देखे। इन दोनों कार्यक्रमों के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने नौका विहार का आनंद लिया। वाराणसी की गंगा नदी पर दोनों नेता करीब 20 मिनट तक नौका विहार करते नजर आए। तो ये थी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से जुड़ी खबरों की अपडेट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.इन के साथ।